तो अभी एक वर्ग किलोमीटर का जो खुदाई हुआ है उसका ये नक्शा दिया गया है आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए कहाँ क्या चीज है। दो लाइन में इनकी खुदाई हुई। एक लाइन है मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज मीन्स बौद्ध विहार, जैसा हम लोगों ने देखा और आगे देखेंगे। सब में एक ही तरह के सिस्टम थे, चारों तरफ ये रहने का कमरा है, आंगन पढ़ने का जगह था। ऐसा 11 बौद्ध विहार, 11 ब्लॉक इधर मिला है, सब एक जैसा बना हुआ। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है सर, जिसको इंडिकेट किया इधर, ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है। जबकि हर बौद्ध विहार के सामने में ये छोटा या बड़ा एक एक चैत्य होता था, बौद्ध मंदिर जहाँ लोग पूजा करने के लिए जाते थे। ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है, सारी पुत्र का स्तूपा। ये नालंदा की सबसे पहली इमारत है, यू कैन से दिस वॉज द हर्ट ऑफ नालंदा। किताबों में, अखबारों में जहाँ भी तस्वीर छपता है सर, यही तस्वीर छपी होती है। खुदाई करने के पहले हमने बताया पूरी इमारत उस तरह से दबी हुई थी, उस तरह से दबा हुआ था, अभी भी जो देख रहे टीला जैसा, अभी भी यदि वहाँ खुदाई हो तो ऐसा मिल सकता है। लेकिन हमने बताया हर दो दो ब्लॉक के बीच में एक कॉरिडोर होता था, मेन गेट नहीं मिला। यही टेम्पलोरी रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, अभी यहाँ खड़े हैं, घूमने के बाद भीतर से बाहर जाना है। सभी ब्लॉक का बनावट एक जैसा था, टोटल 100 वाट ब्लॉक थे, अभी 11 की खुदाई हुई। तो एक ब्लॉक, ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है जहाँ इनकी सारी सिस्टम जो हुआ करता था बचा हुआ मिला है, जिसको हम लोग देखते हैं।